हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनो ज़ोन। दोस्तों मुझे पता है थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, शॉक्ड हैं कि एकदम से क्या हो गया यार। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में सुबह ही पता लगा जब हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया मुझे कि भाई गेम जो है वो ओपन नहीं हो पा रही अब। तो उनका कमेंट रीड करने के बाद मैंने चेक किया, गेम को ओपन किया मैंने, तो जो हम साइन का बटन देखते हैं वो गेम में नहीं आ रहा था। दिखाता हूँ मैं आपको, साथ में बात करते हैं हम लोग ज़रा। तो अगर आप अब गेम को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है हमेशा, जिसमें आपको गेम का कवर पेज शो होता है। आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता था हमें एक साइन इन का, वो ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। आपको सिर्फ यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन का और क्लोज एप्लीकेशन का। तो पहले मुझे कुछ डाउट हुआ कि पता नहीं शायद ये श्योरली ऐसे मतलब गेम बंद हुई है या नहीं हुई है, या फिर शायद ये एक या दो दिन का बग होगा उसका दोबारा हो जाएगा ये। तो इसको मैंने चेकआउट करने के लिए जो इनका ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, वहाँ पे मैं गया और वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। दिखाता हूँ आपको वहाँ पे मुझे क्या क्या मिला और हमें क्या क्या देखने को मिला यहाँ पर। तो अगर आप चेकआउट करेंगे इनकी जो लास्ट पोस्ट आई हुई है शैडोगन वॉर गेम्स की, उसमें देख सकते हैं आप, नीचे लिखा हुआ आ रहा है शैडोगन वॉर गेम्स सीजन 6 सेलिब्रेट द सनसेट विद अस। यानी कि एक तरीके से जो गेम के बाकी जितने भी हीरोज हैं, जितने करेक्टर्स हैं, वो एक तरीके से गेम की एंडिंग पे, जैसे यू नो कि सूरज नीचे डूबता है, कोई चीज़ ख़त्म होती है, एंडिंग चल रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने रिप्लिकेट किया हुआ है कि जो सनसेट है वो हो रहा है, बाकी टीम मेंबर जो हीरोज़ हैं वो सब देख रहे हैं सनसेट होते हुए। यानी कि गेम का ऑफिशियली एंड हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि लिसन अप चैंपियंस, शैडोगन वॉर गेम्स इज नियर इट्स फिनिश लाइन, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट जस्ट येट। वी कैन यूज द लास्ट फ्यू डेज टू थिंक अबाउट आर टाइम टुगेदर, सो सिट डाउन एंड सेलिब्रेट द सनसेट विद अस। तो ऑफिशियली यहाँ पे इन लोगों ने खुद ही बता दिया है कि गेम दोबारा नहीं आने वाली है यार। अब मुझे नहीं पता इस पर रिएक्शन कैसा होना चाहिए यार, क्योंकि आप लोग जानते हैं और जो लोग सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत पहले से हैं, जब हमारे 30-40 सब्सक्राइबर थे तब से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि यही मेरी गेम की जो हमारी सेकंड थर्ड गेम थी हमारी, जो मेरे यूट्यूब जर्नी की थी। आफ्टर डेवलपिंग मोड मैंने फ्रैक के बाद शैडोगन वॉर गेम्स स्टार्ट करी थी मैंने, और उस समय इसका सीज़न 4 चल रहा था। तो सीज़न 4, 5, 6 ये तीनों ही सीज़न मैंने खेले हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या रहा था कि इनको गेम बंद करनी पड़ी, साथ में दिखाऊंगा आपको कि पब्लिक का रिएक्शन क्या हुआ जब इन्होंने बताया कि अब गेम बंद होने वाली है, आप लोग नहीं खेल पाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है किसी ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड टू प्ले दिस गेम विद, बट आई डेफिनेटली एंजॉयड प्लेइंग इट, आई लव द हीरोज एंड आई विल मिस देम ऑल, # शैडोगन वॉर गेम सनसेट। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया जो बहुत दुखी थे, जिनको ये गेम इतनी पसंद थी। गेम में कुछ कमी नहीं थे ना यार, आप खेल सकते थे दोस्तों के साथ, उनसे बात कर सकते थे, फुल ऑन 5v5 टीम बैटल होता था यहाँ पर, डिफरेंट करेक्टर्स थे, सबकी अपनी पावर्स थी, गेम के ग्राफिक्स हो गए, गेम की मैप लोकेशंस हो गई, कुछ कमी नहीं थी गेम में यार। और जो इस गेम के डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी ऑल मूव्ड ऑन आफ्टर द डेज ऑफ वॉर गेम्स एंडेड चैम्प, डोंट लुक सो सैड एंड एन्जॉय दैट इट हैपन। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं डेवलपर्स कि आप दुखी ना हो, गेम की जर्नी यहीं तक थी और आप खुशी खुशी इस गेम को विदा करें। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस पोस्ट के नीचे लोगों ने कमेंट किया है बहुत सारे, 11 कमेंट्स, उनमें से एक कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये बता रहा है जॉर्डन कि मुझे शैडोगन वॉर गेम्स शैडोगन लेजेंड से भी पसंद आई थी, लेकिन जब से अनाउंसमेंट हुई कि गेम बंद हो रही है तो दोबारा इसे अब शिफ्ट होना पड़ेगा लेजेंड्स की तरफ, जो कि शैडोगन वॉर गेम्स से पहले की इनकी गेम थी जो कि काफ़ी पॉपुलर रही भी है। और अगेन फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप लोग वाउचर को क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर शैडोगन लेजेंड्स गेम के लिए। और कुछ नहीं करना आपको, याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते थे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, दूसरा था यहाँ पे कि आप क्लोज करें एप्लीकेशन को, और थर्ड था साइन इन का। अगर आप जाते हैं इनके फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जहाँ पे इनके एक वेबसाइट का लिंक ओपन होगा, तो जैसे आप क्लिक करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन वाले जो आपको बटन मिलता है उसकी तरफ, तो आपको एक लिंक मिलेगा जो कि आपको ले जाएगा इनकी साइट की तरफ, वहाँ पर आपको एक वाउचर कोड मिलेगा। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे क्लेम की तरफ, तो आपको जो शैडोगन लेजेंड्स गेम है उससे कुछ गुडीज आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो एक तरीके से काइंड ऑफ इनका ये है कि इनकी जो ऑडियंस शैडोगन वॉर गेम्स की थी वो शिफ्ट हो जाए लेजेंड्स की तरफ, क्योंकि इनकी जो शैडोगन वॉर गेम्स थी वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई जितना उसको करना चाहिए था। और ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि गेम बंद क्यों हुई, रीज़न क्या है इसका, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मुझे पता लगा, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा अनाउंसमेंट के बारे में कि गेम बंद होने वाली है, और इनके लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से यहाँ पर गेम को बंद करना पड़ रहा है। और बाकी गेम्स जो इतनी बढ़िया भी नहीं है लेकिन वो सही चल रही हैं, लेकिन ये गेम जिसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, वो गेम बंद करनी पड़ रही है पता नहीं क्यों। तो गेम के सर्वर्स यहाँ पे बंद हो चुके हैं, और लास्ट में लिखता है कि रेस्ट इन पीस मैट फिंगर्स, जो कि डेवलपर्स हैं इस गेम के, बेस्ट गेम, यू विल बी सोरली मिस्ड। बिल्कुल यार, इस गेम को सब मिस करने वाले हैं, जिन्होंने भी गेम खेला है वो जानते हैं इस गेम की पोटेंशियल कितनी थी, ये गेम कितनी आगे जाती।
अगर हमारा चैनल भी यहाँ पर कुछ टाइम तक और चलता रहता और ये गेम बंद नहीं होती तो आई गेस मैं भी शायद इस गेम की लाइव स्ट्रीम करता बकायदा हमारे चैनल पर। और ये देखो डेवलपर्स का भाई सीन देखो तुम्हें, मतलब देख रहे हो तुम्हें कितनी खुशी होगी देख के। अब यार गेम बंद हो रही है ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर जो करेक्टर्स है उनका फिर होगा क्या, उनकी स्टोरी का क्या होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि मान लो गेम का एंड चल रहा है तो जो बाकी करेक्टर्स है उनका हुआ क्या, तो उन्होंने यहाँ पे बैक स्टोरी बता रखी है। देखाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ मैं आपको, सुनाता हूँ। तो जो हमारा करेक्टर है यहाँ पर स्लेट, उसने बोला कि यार मैं सिर्फ अभी फोकस करना चाहूँगा शैडोगन की तरफ। और जो ब्लू करेक्टर है हमारा स्नैपर वाला, उसने बताया कि वो एक गन बिजनेस शुरू करने वाली है फ्यूचर में, जैसे कि बिग रेड का था। और जो बिग रेड है वो थोड़ा सा कैमरा शाही है तो उसने फोटो के लिए मना कर दिया। उसने बोला कि यार नहीं नहीं मेरी फोटोज मतलब आप लोग। और फिर ये बता रहे हैं कि जो सार करेक्टर था जो कि आपको जानते हैं रोबोट वाला करेक्टर था हमारा, उसने एक बार को ओपन कर लिया है, बार चलाती है अब वो। और ये बता रहे हैं कि वो शायद स्लेट के पास रहना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, बाकी हमें नहीं पता। और यहाँ पे सारा बता रही है कि मैं बीच बीच में बुलाती हूँ स्लेट को, उससे पूछती हूँ कि तुम किससे बताओ शैडोगन वॉर गेम्स के, क्या क्या तुमने मैच में करा, कैसा कैसा तुम्हारा मैच रहा, किस किससे तुमने फाइट करी। और ये सब अपने पुराने दिनों को याद करके जब ये गेम खेलते थे, जब ये गेम थी मतलब, क्योंकि एज इन यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब गेम में जो करेक्टर्स है रियल लाइफ में है। तो ये लोग इस तरीके से अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं कि हाँ यार जब शैडोगन वॉर गेम्स थी तो हम इस तरीके से राउंड खेलते थे, मजे करते थे टीम के साथ अपनी, तो उन यादों में जी रहे हैं इस समय। और बस यही नहीं, इन्होंने बकायदा करेक्टर जो उनके बाकी हैं वो जब ओल्ड हो गए तो उनका जो डिज़ाइन था, जो लुक था, वो कितना चेंज हुआ वो भी इन्होंने बकायदा बना के दिखाया हुआ है। आप लोगों को देख सकते हैं, आप जो आपका करेक्टर दिख रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, जो स्लेट करेक्टर है वो थोड़ा सा बुढ़ा हो चुका है दिख रहा है आपको, उसके बाल उड़ चुके हैं, हल्की सी उसमें बियर्ड रखी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एजिट लग रहा है यहाँ पर वो। और आप देखिए कि इस करेक्टर को बनाने के अंदर इनकी कितनी मेहनत लगती है, जो आर्टिस्ट है, जो स्केच आर्टिस्ट है, उसने कितनी मेहनत करी है हर करेक्टर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले उसने छोटा डिज़ाइन बनाया, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स ट्राई करे, वेपन्स को ट्राई किया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज़ करी उसने कॉस्ट्यूम के लिए। और फिर यहाँ पर इन 15 सैंपल से उसने 4 मेन सैंपल बनाए, जिनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर गया, इन चारों को कंबाइन करके उसने एक लास्ट स्लेट का करेक्टर बनाया, जो कि देख रहे हैं आप असॉल्ट स्लेट के अंदर जो यहाँ पर शो हो रहा है आपको। और यही नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको और भी है यार। और वहीं फिर यहाँ पर जो सेकंड करेक्टर आता है देख सकते हैं आप, सपोर्ट कैटेगरी के अंदर मिलता है आपको सारा करेक्टर, जिसके अंदर मिलते हैं आपको इसकी 8 डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें से उन्होंने लास्ट में 4 डिज़ाइन फाइनल करे। उन 4 में दिख रहा है आपको यहाँ पर करेक्टर के फेसेस में भी कितना इन्होंने चेंजेस किया है। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल करेक्टर है वो दिख रहा है सारा का, जब भी ओल्ड हो चुकी है तो आपको इसके चेहरे के अंदर भी दिख रहा है यहाँ पर, हालांकि ये रोबोट है तो इतना यहाँ पर पता नहीं लगेगा आपको, पर आप देखिए करेक्टर में कितनी मेहनत करी है। बाकी सारे जो इनके सूट डिज़ाइन थे वो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, किसी में कुछ पावर रेंजर जैसा है, किसी में आप देखिए किसी में लेग डिज़ाइन देखिए, किसी में यहाँ पर जो उसके पैर हैं वो पूरे रोबोटिक ही कर दिए हैं, मतलब आगे कुछ ह्यूमन जैसा लगा भी नहीं रखा है इसमें कुछ, कि लगे तो हल्का फुल्का डाउट लगे कि हाँ शायद ह्यूमन थी ये, कंप्लीट रोबोटिक डिज़ाइन भी है इसमें। और फिर यहाँ पर जो थर्ड करेक्टर था हमारा, जो स्नैपर करेक्टर था, यहाँ पर बिलो वाला करेक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पर, देख सकते हैं आप अब, क्योंकि भाई ये भी ओल्ड हो चुकी है तो इसकी आंखें भी यहाँ पर ख़राब हो चुकी होंगी इतनी एज तक आकर, तो इसने यहाँ पर अब स्नैपिंग करनी छोड़ दी और नॉर्मल असॉल्ट गन पे आ चुके, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और थोड़ी सी आपको दिख रही है कि हल्की सी मोटी हो चुकी है, क्योंकि यू नो एज बढ़ेगी आपकी तो थोड़ा टाइट वगैरह थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सॉलिड डिज़ाइन करें, ऐसे कॉस्ट्यूम देख सकते हैं आप, 14 डिज़ाइन दिख रहे हैं आप यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा फिर ऊपर यहाँ पे फाइनल हो गए 2 डिज़ाइन, उसमें फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर फेसेस के कितने डिज़ाइन बना रखे हैं लोगों ने यहाँ पर, उसमें से फिर यहाँ पर उन्होंने सबको मिला कर एक फाइनल करके यहाँ पर एक लास्ट डिज़ाइन दिया आपको दिख रहा है आपको जो लेफ्ट साइड पर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार चलो स्लेट विलो और सारा की बात तो हो गई, पर करेक्टर्स तो और भी थे। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया नेक्स्ट की, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जेट और रेवेनेंट का क्या हुआ, उनकी स्टोरी भी दी हुई है यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं कि जो जेट था वो अंडरग्राउंड कूरियर जॉब करता था, और हो सकता है कि इस गेम के एंड होने के बाद वो चला गया दोबारा उसी काम के लिए, अपनी गन को लेकर उसी काम के लिए। और जो यहाँ पे रेवेनेंट था वो गया रिवेंज लेने के लिए अपने किसी फ्रेंड का, जिसका आपको अब नाम दिख रहा है, और साथ में उसकी वाइफ और उसका बेटा भी है जो कि हॉस्टेज थे। तो काइंड ऑफ तरीके से इन्होंने अपनी स्टोरी बता रखी है कि करेक्टर्स ने शायद ये किया होगा जब ये गेम बंद हो गए उसके बाद। और फिर यहाँ पे शो हो रहा है मैं जेट करेक्टर जो है हमारा, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दिख रहे हैं आपको। अब इस करेक्टर में क्या है कि आगे इसने मास्क पहना हुआ है, तो अगर ये बुढ़ा हुआ भी होगा तो पता नहीं लगने वाला आपको कि आगे मास्क है दिखने वाला आपको। इस करेक्टर के यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 डिज़ाइन है, उनमें से फिर जो लास्ट के 4 डिज़ाइन थे वो फाइनल हुए, और फिर उनको कंबाइन करके या उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके जो आपको सामने दिख रहा है इसका फाइनल वाला डिज़ाइन जो है स्केचिंग का, वो दिख रहा है आपको यहाँ पर कि जेट ओल्ड होके ऐसा दिखने वाला है। और फिर हम बात करें यहाँ पर जो टैंक कैटेगरी के अंदर रेवेनेंट है, तो भाई रेवेनेंट तो आप जानते हैं ऑलरेडी वो एलियन वाला कैरेक्टर था हमारा यहाँ पर, तो उसका फेस दिख रहा है आपको कितना अजीब सा हो चुका है यहाँ पर, थोड़ा या थोड़ा गल सा गया हो, थोड़ा बिगड़ सा गया उसका चेहरा यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके फेस के भी इन्होंने राइट साइड पे 5 डिज़ाइन बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें किसी में उसके बाल हैं किसी के नहीं हैं,
कुछ में उसने कुछ मास्क पहना हुआ है। उसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पर तीन डिजाइन है, एलियन जैसे कुछ लग रहा है आपको, बेन 10 की याद आ गई भाई। और फिर फाइनल लेफ्ट में देख रहे हैं आप दो डिज़ाइन, इनमें से कोई एक फाइनल हुआ। और लास्ट में आपको दिखा रेमिनेंट का ओल्ड लुक दिख रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर हैवी हो चुका है करेक्टर जो है। और देख सकते हैं आप जब इन लोगों ने जून में अनाउंसमेंट करी थी कि गेम को बंद करने वाले हैं, ऐप स्टोर के अंदर भी आपको ये गेम नहीं मिलने वाली है, तब लोगों का रिएक्शन देख सकते हैं आप। नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, नो प्लीज़ आई लव दिस गेम सो मच, आई गॉट न्यू फोन एंड आई प्ले दिस गेम ऑल टाइम। साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पर सैड इमोजी। दूसरा लिखता है कि विल द गेम बी रिलेटेड फ्रॉम द प्ले मार्केट टू, और आंसर है हाँ भाई, सब जगह से हट चुकी है गेम। प्ले स्टोर पर तो पहले से नहीं मिल रही थी, लेकिन अब बाकी जगह से भी इनके सर्वर बंद हो चुके हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो लास्ट स्लाइड है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि यू शुड डू अ कॉमिक विद द करेक्टर्स फ्रॉम शैडोगन, यू हैव अ गुड आर्टिस्ट ऑफ MFG। अब देखो स्केचिंग तो अच्छी कर रखी है उसने जिसने डिज़ाइन किया है, तो ऑब्वियसली कॉमिक ही बनाएंगे अगर ये, तो यार वो भी चल जाएगी, गेम तो इतनी ज़बरदस्त है। पर यहाँ पर सौरभ ने कमेंट किया हुआ है कि वट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू, द गेम इज़ ओवर, वाई मेकिंग ऑल ऑफ अस सैड एवरी डे। और नीचे किसने रिप्लाई किया उसका कि आई एम क्राइंग। ऑब्वियसली आज जिन लोगों ने गेम खेल लिया है, जिनके इमोशन जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है गेम कैसी थी है। मुझे भी 1.5 साल हो गया इस गेम को खेलते हुए, मुझे पता है गेम कितनी ज़बरदस्त थी। और फिर देख सकते हैं आप किसने यहाँ पे कमेंट किया कि प्लीज़ अपडेट एंड रिवाइव योर बेस्ट गेम शैडोगन लेजेंड्स, वाह। और फिर यहाँ पे किसने किया हुआ है कि प्लीज़ रीथिंक एंड डोंट क्लोज शैडोगन वॉर गेम्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम, नो डाउट भाई, नो डाउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेम जो है वो ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है, गेम के जो सर्वर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, तो अब हम में से कोई भी गेम खेल नहीं पाएगा। मेरे पास आई गेस शायद 2-3 राउंड की जो रिकॉर्डिंग थी गेम प्ले की मैंने कर रखी है, तो आपको शायद वो राउंड देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका मन करे तो हमारा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ से आप गेम को चेकआउट कर सकते हैं, आपका मन उसका गेम प्ले देखने का। ये प्रॉब्लम तो वैसे भी चल रही है क्योंकि लोग आप जानते हैं कि ज़्यादा सपोर्ट न्यू गेम्स को लोग करते नहीं है। ये गेम 2020 में ही लॉन्च हुई थी और 21 में ये बंद हो गई है, यानी कि 1 साल टिकी ये गेम, आप खुश हो सकते हैं। अब इसका रीज़न आप सब जानते हैं, BGMI के बाद लॉन्च हो गई, या फिर जो बाकी गेम्स आपकी फ्री फायर हो गई, यही गेम्स जो है लोग खेलते रहते हैं, इनको ही इन्हें ही खेले जा रहे हैं इतने सालों से, नई गेम को ट्राई नहीं कर रहा कोई, जिसकी वजह से जो इतनी धमाकेदार गेम है इनको इतना बूस्टअप नहीं मिल पाता। हालांकि जब आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली थी हमारी शॉकिंग अपडेट वाली सीजन 6 का, जिसमें मैंने बताया था कि सीजन 6 लास्ट सीजन है इसका, उस वीडियो को काफ़ी अच्छी रीच मिली थी, काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसके बाद काफ़ी लोगों ने गेम को डाउनलोड भी किया, लोगों ने खेला भी इस गेम को, पसंद करा लोगों ने। तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि नई गेम कौन सी चल रही है, क्या चल रहा है, उनको एक दो गेम पता है वो उसे ही खेले जा रहे हैं। तो जब तक आप लोग न्यू गेम को ट्राई नहीं करोगे आपको उसकी पोटेंशियल पता नहीं लगने वाली। तो फ्रेंड्स इस गेम की जर्नी हमारे साथ यहीं तक थी बस यार, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स, और मैं तो बस इस गेम के डेवलपर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा इतनी अच्छी गेम हमें प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हम लोग एंजॉय कर पाए यार, गेम बहुत धमाकेदार थी यार। अब मुझे यहाँ पर आप लोगों से हेल्प चाहिए, आप लोग यार मुझे कमेंट से बताना है कि और कौन सी ऐसी मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जो कि शैडोगन वॉर गेम्स जैसी हैं या उसकी तरह हैं, जो मुझे ट्राई करनी चाहिए। तो आपके जो भी ओपिनियंस हों, जो भी आप गेम के नाम बताना चाहें, वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि हम लोग उन गेम को ट्राई कर सकें। और बस यार अब मैं क्या बोलूँ, सुबह से थोड़ा मूड ख़राब था इस गेम के बारे में, जब से मुझे पता लगा था तब से मैं कहीं और फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ, इस चक्कर में थोड़ा वीडियो भी लेट आई है वाली, क्योंकि मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी यार, क्योंकि ये गेम आपकी स्टार्टिंग जर्नी की है ना मेरी यार, मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी तब से गेम खेल रहा हूँ मैं ये वाली, तो आपके इमोशन जुड़ जाते हैं गेम के साथ, और वो हो भी क्यों ना क्योंकि गेम इतनी ज़बरदस्त थी। और लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि रेस्ट इन पीस शैडोगन वॉर गेम्स, एंड अगेन थैंक यू फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। और दोस्तों आप लोग भी लास्ट बार इन करेक्टर्स को देखने जो आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि अब आपको इनको दोबारा देख नहीं पाएंगे, ना ही इनके गेम प्ले को, ना ही इनकी पावर्स को, ना ही उस गेम प्ले के मज़े को, बस यार इससे ज़्यादा क्या बोलने, क्योंकि शैडोगन वॉर गेम्स जैसी गेम ना ही कभी आई थी और ना ही आगे कभी आएगी। तब तक यार आप लोग बाकी न्यू गेम्स को ट्राई करो, उनको सपोर्ट दिखाओ, ताकि और किसी गेम का हाल इस गेम जैसा ना हो और डेवलपर्स को अल्टीमेटली गेम को शट डाउन ना करना पड़ जाए। तब तक आप लोग बाकी गेम को खेलें, एंजॉय करें यार। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।